விவரங்களுக்கு நன்றி ஜெயக்குமார். நாட்டின் 15வது குடியரசுத் தலைவராக திரௌபதி முர்மு இன்னும் சற்று நேரத்தில் பதவியேற்க இருக்கிறார். அதன் நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம். The President-elect from the Rashtrapati Bhavan to the Parliament premises, wherein, in the iconic Central Hall of Parliament, the President-elect takes oath of office. Madam Draupadi Murmu will, in a short while from now, take her oath as the 15th President of India. In the presence of Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu, Lok Sabha Speaker Om Birla, Prime Minister Narendra Modi, the President-elect, members of the Union Cabinet, also the Chief Ministers of various states, state governors as well, and a host of other dignitaries in attendance inside the Central Hall of Parliament. Chief Justice of India, Mr. N. V. Ramanna, will administer the oath of office to Madam Draupadi Murmu, who will, in a short while from now, take oath as the 15th President of India from the iconic Central Hall of Parliament. Narendra Modi. बिल्कुल अपने आप में ये ऐतिहासिक तस्वीरें कुछ ही पलों में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी. आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली वो पहली राष्ट्रपति होंगी, साथ ही दूसरी महिला राष्ट्रपति और जनजातीय समुदाय से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाली पहली महिला. National.
राष्ट्रपति महोदय, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री रामनाथ कोविंद की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के दूसरे दिन होने के लिए नियत है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा प्रमाणित करता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2022 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2022 के जुलाई मास के इस 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी।